क्या करता है सुखदेव तू, क्या खबत लिया तूने सिर पर? वही खबत लिया जिस खबत में तुम यहां मेरे पास आए। क्यों आए हो यहां? आप लोग जो आए हैं क्यों आए हो? ये कुंभ में लोग आए हैं क्यों आए हैं? आज नहाते हैं क्यों नहाना चाहते हैं? सुबह क्या जवाब है? कुछ तो देखा देखी, कुछ सुना सुनाई, कुछ अपनी लगन। एक ख्याल इंसान ले लेता है, उसमें बह जाता है, उसकी तलाश करता है। मैं भी छोटी उम्र में किसी चीज की तलाश करने निकला था। वो क्या चीज थी पता नहीं, आदमी की आत्मा कुछ ढूंढती है, उसको पता नहीं लगता मैं क्या ढूंढता हूं। कभी वो उसको दौलत समझता है, कभी उसको औरत समझता है, कभी उसको भक्ति समझता है, कभी उसको योग समझता है, कभी उसको ज्ञान समझता है। तो इन सब का फैसला कौन कर सकता है? सच्चाई पसंद तो ये जी पढ़ो शब्द वो जो सदगुरु तू सच्चा है। मुझको सच्चा है, मुझे सच्चाई बख्श बख्श सतगुर प्यारे। तू सच्चा है, मुझे सच्चाई बख्श बख्श सतगुर प्यारे। तू प्रकाश है तेरी दया से, प्रगटे घट रवि शशि तारे। तू प्रकाश है तेरी दया से, प्रगटे घट रवि शशि तारे। तू दाता है दान दे मुझको, नाम रतन धन का स्वामी। तू दाता है दान दे मुझको, नाम रतन धन का स्वामी। मेरे मन में आके समा जा, जो तू है अंतर्यामी। मेरे मन जो तू है अंतर्यामी। ये थी मेरी ख्वाहिश छोटी उम्र की, कुछ चाहती थी इसलिए। उस सिलसिले में मैं दाता जाल के चरणों में गया था। जैसा मैं पहले कहता हूँ, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं। उस राजपाट ने मुझको ये काम दिया, ये गुरुवाई का। क्यों दिया? ताकि मुझे समझ आ जाए कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है। तो मैंने प्रण किया था कि जो कुछ मैं अनुभव करूंगा बता जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं सत्संगों में, कल का एक सत्संग बाकी है, कि जो कुछ सनातन धर्म है वही राधा स्वामी मत और कबीर मत है। क्यों? मैंने आपको मसाल बता दी। इस दुनिया का पैदा करने वाला कोई बड़ा पुरुष है
जिसके संकल्प से तमाम रचना होती है और आज मनु पैदा हुआ है। वासना भगवान की माया यूं समझ लो, भगवान की वासना। भगवान एक बड़ा भारा पुरुष है जिसको उसके देह को तो ये आंख देख सकती है, ये देह ही है उसका। सूरज चांद सितारे जितने तुम देखते हो, पहाड़ हड्डियां सब उस भगवान की देह है। उसका मन भी है, वो हमारा अंतर की आंख देख सकती है। उसकी आत्मा भी है जिसको कहते हैं हिरण्य अव्याकृत और हिरण्य गर्भ। संत भी यही कहते हैं कि सृष्टि को काल ने रचा है और शास्त्र भी यही कहते हैं कि सृष्टि को रचने वाला सोहम कोई है, उसकी वासना से पैदा हुआ। तो इस काल से, इस सृष्टि से, पैदा करने वाले से का ज्ञान कौन देता है? कौन देता है? गुरु देता, बुद्धि देती। अगर हम में बुद्धि ना हो तो ईश्वर का कौन ख्याल करे? अगर तुम में बुद्धि ना हो, विचार शक्ति ना हो, तो ईश्वर को, ईश्वर का ख्याल कैसे तुम्हारे दिल में आए? इस वास्ते गुरु का दर्जा बड़ा है जो सब कुछ दिखाता है। तो मैं आज से कह रहा हूँ कि दो मार्ग हैं संसार में, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति। दोनों में ही वासना काम करती है। वासना तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे अंतर जो तुम्हारी चाह वासना है, इच्छा है, वो काम करती है। यहाँ आके मैं फेल हो गया। मैं नहीं समझ सका कि ये जो वासना हमारे अंदर उठती है, ये हमारे बस में है या किसी और ताकत के बस में है। जैसी वासना हमारे अंदर पैदा होती है, इसका पैदा करने होना हमारे बस में है या किसी और ताकत के बस में है, मैं नहीं समझ सकता। तुम मेरे भाई हो, मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा। यहाँ के मैं कहता हूँ भगवान तेरी इच्छा, कहे करावे आपे आप, मानुष दही के कुछ नहीं और होइ है वही जो राम रखी राखा। यहाँ मैं फेल हो गया। मेरी बुद्धि इस वक्त तक फैसला नहीं कर सकती, मगर इतना मैं जानता हूँ कि जो कुछ हमको मिलता है वो हमारी वासना के जरिए से मिलता है। जैसी इच्छा रखोगे वैसे हो जाओगे। जैसा ख्याल, मैं आपको जो जो तरीके हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपनी चाह को बढ़ाने, अनुकूल करने, ठीक रखने, जिससे कि हमारा संसारिक जीवन सुख और शांति से गुजर जाए, जो जो कुछ उन्होंने बताए, मतलब यज्ञ, जप, तप, ये सब मैंने पिछले सत्संगों में आपको बयान कर दिए। अब निर्वाण, दुखों से बचने का भी तरीका जो मिलता है, वो भी तुम्हारी चाह के साथ मिलता है। अगर तुम्हारे दिल में चाह है कि तुम इस संसार के दुखों से बचकर हमेशा के लिए उस जगह चले जाओ जहां चाह नहीं है, जहां वासना नहीं है, जहां माया नहीं है, अगर तुम्हारे दिल में ये चाह आ जाए तो यही चाह कुदरत तुम्हारी मदद करती है। इसका सबूत देता हूं। एक तो मेरी जिंदगी, मैं किस तरह से इस चाह के लिए असर भगवान को मिलना चाहता हूं, दाता के दरबार में आया। आज एक मुझे नई बात पता लगी।
ये भूत सिंह जो टेप रिकॉर्ड करता है, छह सात साल से मेरे पीछे पूछता है। मैंने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया ना, क्योंकि ये आज यहाँ आया हुआ था मेरे साथ, इसने सारा ही वो टेप रिकॉर्ड किया। अब ये टेप रिकॉर्ड को दिल्ली ले जाएगा, तो मैं बैठा हुआ था, मेरे दिल में ख्याल आया कि भगवान ने इसको मेरे साथ क्यों लगाया, मैंने तो इसको बुलाया नहीं। अगर धर्म से पूछो, कई दफा आया, प्रेम से आया, बातचीत की, मैंने अपना ध्यान नहीं कर दिया, खास तवज्जा नहीं की कौन है ये। आते हैं मेरे पास आदमी, चले जाते हैं, तो मैंने इसको बोला, बच्चा मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुमने इतनी काम किया है, मेरा इतना सारा 8 दिन का काम तो मैंने किया है, मेरी ख्वाहिश थी रिकॉर्ड हो जाए, तुमने कर दिया, कि मैं तुमको क्या दूं, सच्चे दिल से तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुमको सुख मिले, तुमको शांति मिले, जिस गर्ज के लिए तुम मेरे पीछे खुशी हो, वो गर्ज तुम्हारी पूरी हो, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसने अपना वाकया बयान किया, जिसका पहले मुझे पता नहीं था, आज ही पता लगा। इसने जिंदगी में कोई कुकर्म किए थे, उससे ये दुखी था, कहता है मैं मरना चाहता था। कई दफा कुतुब मीनार से छाल मारने की कोशिश की, हौसला नहीं पड़ा, ये समझ के अगर मरा ना, टांग पांव टूट गई, जान रह गई, तो फिर मुसीबत में आएगी, फिर भाई जमुना में डूब मरूं। फिर कहने लगा, मेरे दिल में ख्याल आया, मैं तैरना जानता हूँ, डूबूंगा, जान निकली बड़ी मुश्किल है, तैर पड़ूंगा, बच जाऊंगा। कहता मेरे अंदर ने कहा, तू बिजली के मैच में हम काम करता, बिजली को हाथ लगा के मर जाएगा। ये कहता है मैं मरने के लिए अपने कमरे में आ गया, दफ्तर में, वहां लेट गया, सो गया। उस वक्त ये कहता है कि मेरा रूप इसके अंदर प्रकट हुआ, तो वो मेरा रूप इसको कहता है, भूत सिंह जाग भाई, अब जाग, सो नहीं, अब जाग, सो नहीं, अब जाग। क्या करूं, जाग। ये कह करके आप आसमान पर उड़ गए, उड़ते बड़ी किसी सुराग रोशनी किसी कोने में जा पहुंचे, वहां मैंने जो देखा तो ये शक्ल नहीं थी जो आज की ये थी। तब से मैं होश आ गई, फिर दिल्ली में दुर्गादास की मकान बन रहा था, उसके ऊपर सत्संग हुआ करता, ये मेरे पास गया, वहां सत्संग से प्रभावित हुआ, फिर ये कहीं मेरे पास मिला, तो कहता आपने पूछा, आपने कहा मैंने बड़े पाप किए हुए हैं, तो आपने मेरी टोपी अपने सब पर रख ली, मेरी तो मैंने अपनी टोपी इसके सब पर रख दी, मैं उन्हें भूल गया की बात नहीं कर। अब मैं संसार को शपथ पूर्वक कहता हूं, मेरे फकीर संघ के चीर को कुछ पड़े अगर मैं झूठ बोले, मैंने इसको नहीं कहा कि जाग जाग जाग। मैंने इसको नहीं कहा तू जाग जाग जाग, नहीं कहा ना, मैंने नहीं कहा। अब तुम सोचो किसने कहा, इसकी वासना, ये अपने बुरे कर्मों से दुखी था, उससे बचना चाहता था, सुखी होना चाहता था,
मुक्ति चाहता था या निर्वाण चाहता था या मार्ग का प्रेम चाहता था ये मुझे पता नहीं। ये जो उसका मौजूदा दुख था उससे बचना चाहता था, क्योंकि ये बचना चाहता था इसलिए इसकी वासना जो इसके अंतर से बचने की तीव्र इच्छा थी, खुशी के अंतर से उसका इलाज निकला। ये मैं सांस बयानी क्यों करता हूँ, मेरे जम में निर्बल अभय और अज्ञानी जीवों की मदद करने का हुक्म है। तू तो आया नरदेही में कर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के दूसरा। तीन ताप से जीव दुखी है निर्बल अभय अज्ञानी, और तेरा काम गया का भाई राम दान दे दान। अब तुम सोचो इस किस्म के वाक्यात हर एक जीव के अंदर भिन्न भिन्न शक्लों में नजर आते हैं। फिर क्या होता है, किसी के अंदर बाबा सावन सिंह आ गया, किसी के अंदर राम आ गया, अंदर मोहम्मद आ गया, किसी के अंदर कोई फरिश्ता आ गया। नतीजा क्या निकलता है, इंसानी नस्ल इसको इसके राज को ना समझती हुई, कोई उस फरिश्ते का पुजारी बन गया, कोई किसी गुरु का पुजारी बन गया, कोई राम का पुजारी बन गया, कोई कृष्ण का पुजारी बन गया, कोई बाबे फकीर का पुजारी बन गया, कोई किसी का पुजारी बन गया। और इस अज्ञान और जहालत से हमारा भारतवर्ष का जो मानव जाति थी वो बच गई, फिरके बन गए, फिर टूटते हैं, खून होते हैं। किसी ने अपने गुरु की समाधि बना दी, किसी ने राम का मंदिर बना दिया, किसी ने शिव का मंदिर बना दिया, किसी ने मस्जिद बना दी। क्या नतीजा निकला, किसी ने मस्जिद की चार ईंटें उखेड़ दी, वहां सिर कट गए। किसी ने रामायण के वर्षे पाट दिए, सिर फट गए। मेरे जम्मे ड्यूटी है, तेरा रूप है अद्भुत अतिरिक्त, तेरी उत्तम देही जग कल्याण जगत में आया परम दयाल खिले। ये परम दयाल मेरे गुरु ने मेरा नाम रखा हुआ है। मैं क्या कहना चाहता हूँ मानव जाति को कि ऐ इंसान, ये जितना खेल है तेरी वासना का है, तेरा मददगार तेरी वासना है, तेरा सहायक तेरी अपनी तीव्र इच्छा है। पानी पिलाओ। अगर तू बुरे कामों से बचना चाहता है तो तू तीव्र इच्छा रख। कुदरत नेचर खुद बहुत जहां से तुम्हारा काम बनना होगा, हालात वाकियात तेरे फेवर में आ जाएंगे। ये कहना चाहता संसार को, मैं पागल नहीं जो कुंभ के अवसर पर आया, आना नहीं चाहता था, अब आ गया। कोई खास मिशन लेके दुनिया में आया हूँ, वो मिशन ये है यूनिटी ऑफ रिलीजन, मजहबों का इत्तेहाद, पंथों की एकता, इंसानी नस्ल इस अज्ञान में आकर धर्म में आकर बढ़ चुकी है। बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, जिसका नतीजा हमारा पाकिस्तान की पार्टीशन थी,
जिसका नतीजा तुम रोज देखते हो। इसलिए मैं संतों के मार्ग का पैरावकार हूँ जो ये सजा देते हैं कि तेरी वासना ही तेरे दुख का कारण है और तेरी वासना ही तेरे सुख का कारण है। उस वासना को, अपनी माया को किसी सतगुरु के चरणों में फेंक, अपने आप को किसी सतगुरु के सुपुर्द कर। किस वास्ते? कि वहां से तुमको सच्ची बुद्धि मिले, सच्चा ज्ञान मिले, सच्ची समझ मिले, सच्चा राज मिले, सच्चा भेद मिले। ये है मकसद मेरे काम करने का। आप लोग हैं, आप संसार की इच्छाओं में बुरी तरह से ग्रस्त हैं। तुमको जो कुछ मिलता है, तुम्हारे कर्म का फल मिलता है। तुमने जो कुछ सोचा हुआ है, जो जो कुछ चार सौ दिए की हुई है, मैं तुमको इतने सत्संगों में बहुत कुछ कह चला, याद भी नहीं क्या कह दिया, मगर एक मिसाल देता हूँ। कई मेरे पास आदमी शिकायत करते हैं, बाबा जी हम निर्धन हो गए, प्राणी ने हमको लूट लिया, ये किया। देखो, सुदामा था, सुदामा कृष्ण के साथ गुरु के दरबार में बड़ा करता था। तो ऋषियों के दरबार में ये नहीं हुआ करता था, ये राधे का लड़का है, ये चंडाल का है, नहीं, सबको बराबर हक थे। तो दोनों लकड़ियां काटने के लिए गए, तो गुरु की स्त्री ने थोड़े से छोले सुदामा को दे दिए, थोड़े से छोले सुदामा को दे दिए। क्या कहा, बच्चा जब रात भूख लगे, दोनों भाई आप किसी भी साथ साथ दोनों भाई बांट लेना, जंगल में रात पड़ गई, बारिश आ गई, अंधेरी आ गई, दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे, एक दरख्त की टहनी पर कृष्ण, दूसरी टहनी पर सुदामा, रात काटी, सुदामे को भूख लगी, वो छोले चुबाने लगा। कृष्ण जी पूछते हैं क्या खाता है, वो झूठ बोलता, खाता कुछ नहीं, सर्दी से दांत बजते हैं, सारी जिंदगी दांत बजे, क्योंकि कृष्ण के साथ अवतार से उनके साथ धोखा किया, कृष्ण ने उसको माला माल कर दिया। तो तुम रोज भागवत पढ़ते हो, उसमें जो सबक लेते नहीं, ये पुराण रामायण महाभारत हमको हजार हाथ किस्म के सबक देती। हम कहानियां पढ़ना जानते हैं, कृष्णोवाच अर्जुनोवाच जो कुछ उसका सार है उसको हम समझते नहीं। तो भाई तुम खुद सोचो, कोई दुकानदार है, तुम्हारे दो आदमियों की पारिवारी होती है, तुम उसमें से हेरा फेरी नहीं करते, सोचो। तो फिर अगर तुम्हारे पर मुसीबत आती है तो रोते किस वास्ते हो, फिर चिल्लाते किस वास्ते हो, जो तुमने किया है वो भुगतो। कहाँ जाओगे, कर्म प्रधान विषम कर राखा, जो दस की पैसो फल कर। जैसा जैसा कोई दुख दुख का साथी नहीं, हम कहते हैं हमको फलाने ने तकलीफ देता है, कोई कहता है सब निकालो, कोई दुख दुख का नहीं साथी, कोई कहता है मुझे फलाने ने धोखा दिया, कोई कहता है मुझे फलाने ने धोखा दिया, ये सब झूठ है।
हमको तुमको जो कुछ मिलता है, हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल मिलता है या इस जन्म का फल मिलता है। इस वास्ते संतों के मार्ग में और जय सनातन धर्म की उसके मार्ग में भी कर्म है। जहाँ कई संतों के मार्ग के होंगे वो कहेगा क्या, अरे तुम राधा स्वामी जय की वाणी पढ़ो, उसने साफ लिखा है कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। राधा स्वामी जाल की वाणी है कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। स्वामी जी तो ये कह रहे, अब राधा स्वामी मत वाले तन गुरु समझते हैं कि तन गुरु धर्म गुरु करने से तो तुमने बुरे कर्म करते हो वो तुमको माफी हो जाएंगे। जिनको ये प्रोपेगंडा ये करते हैं खाए कोई दे रहा है वो तुमको धोखा देते हैं। ऐसे गुरु और उनके चेले तुम लोगों की आंखों में मिट्टियां डालते हैं। नाम ले आओ भाई, सदगुरु तुहाडा बेड़ा पार कर देगा बेड़ा पार तुहाडा कैसे करेगा। क्योंकि संतों की वाणी और सनातन धर्म की वाणी एक है, इसलिए मैं आज निर्भय होकर कह जाता हूँ कि कोई फर्क सनातन धर्म की तालीम में और संतों की तालीम में नहीं है। ये फर्क लगाने वाले प्रोपेगंडिस्ट हैं, मूर्ख हैं और अज्ञानी हैं। यही बात दाता दयाल ने मुझको लिखी थी, वो भी परम संत थे। मुझे उन्होंने राधा स्वामी मत के आधार पर तालीम दी, मगर वो निरपक्ष थे। जब मुझको कोई मुसीबत घर में आई, घर वालों ने मुझे कोई तंग किया किसी बात से, जब मैं बसेरे में था तो मेरे पिताजी को बरादरी वालों ने कोई तंग किया कोई जमीन के बारे में या किसी झगड़े में, तो मैंने उनको लिखा अपना दुखड़ा, तो मुझे जवाब देते हैं पढ़ो। कोई सुख दुख का ना दाता तेरी ही है भूल सब, कोई सुख दुख का मैंने उनको खत लिखा कि मेरी बात के साथ ये बस लिखी भाई क्या तुम जिम्मेदार हो ना, हम जिम्मेदार हैं, जमीन के ऊपर लड़ाई मकान का परनाला अगर किसी और पर रखा जाए वहाँ झगड़ा बिरादरी के झगड़े घर घर में देखा एक ही लेखा क्या पंडित क्या काली देखा, हम बाहर इलेक्शन देने वाले हैं घर घर में हमने देखा। मैंने बड़े बड़े महापुरुष देखे हैं गृहस्थी जो दुनिया में संसद दूर करा गए घर में आते थे तीन क्षेत्र मारती थी उनकी उनको, मैं सब देखा है दुनिया देखी है अपना घर देखा गद्दियां देखी गुरु देखे चेले देखे। इस वास्ते मैं सत्य आदमी हो गया हूँ, सच्ची बात कहता हूँ डरता नहीं बात कहता हुआ। हर शब्द को जो कुछ मिलता है, संत हो परम संत हो कबीर हो नानक हो दाता दयाल हो बाबा साहब सिंह हो कोई भी हो, हर शब्द को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। हर शब्द को बमय मेरे गुरु के जो भी देहधारी आदमी बना उसको वो अपने कर्म के चक्कर से यहाँ आया, या अगर अपना कर्म का चक्कर नहीं है माफ करना, अगर अगर का मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ वो मैं नहीं मानता, तो दुनिया के जो ख्वाहिशात होती हैं उनकी रेमेडी के इलाज के लिए कोई अवतार आ जाता है, उसको भी यहां तकलीफ उठानी पड़ती है। किसको तकलीफ नहीं हुई, कृष्ण महाराज को नहीं हुई, श्री राम को नहीं हुई, हजरत मोहम्मद को नहीं हुई, स्वामी दयानंद को नहीं हुई,
बाबा सावन सिंह को नहीं हुई, दाता दयाल को नहीं हुई, सबको हुई। तो इसे क्या मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम लोग जो सत्संगों में गाते हो, खाए सनातन धर्म के हो, आर्या समाजी हो, बौद्धी हो, ज्ञानी हो, मैं तो किसी मजहब का पैरावकार नहीं, मेरा मजहब है इंसानियत, मानवता। क्योंकि मेरे समझ में ये आ गया कि इन मजहबों ने हमको खराब किया है, इन मजहबों ने हमको बांध दिया है। ह्यूमैनिटी हैज बिन डिवाइडेड, इंसानियत को काट दिया गया है। किसने? अज्ञान ने, भ्रम ने। इसलिए मैं कहता हूँ संसार वालों को, हुकूमत को कहता हूँ कि तुमको जो कुछ मिलना है तुम्हारे अपने कर्म का फल मिलना है, करो इसको। कोई सुख दुख का नहीं दाता, तेरी ही है भूल सब कर्म अपने करते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल सब कर्म अपने करते हैं। तो जिस असली को मैंने लेके शुरू से सत्संग किया, क्या कहा? वासना गुरु का काम है, पंथ का काम है, मजहब का काम है, ऋषियों का काम है, गुरुओं का काम है, तुमको तुम्हारी वासना को अनुकूल बनाने की सलाह दे। बस प्रवृत्ति मार्ग में इस वास्ते कोई भी ऋषि पिछले जमाने के जितने गुजरे, इस वक्त के हुए, किसी मजहब के भी, कोई भी गलत नहीं। अपने अपने समय के मुआफिक जैसी जैसी दुनिया में डिमांड आई, जरूरत महसूस हुई, उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग के ख्यालात में तब्दीली पैदा कर ली हालात को मुकाबले करने के लिए। इस वक्त इंटरनेशनल हालात हैं। अब मजहबी दुनिया की अकड़ इस वक्त भारत को तबाह करेगी। इस वास्ते डिमांड एंड सप्लाई के जरिए असर कुदरत ने मुझको यहाँ संसद में वक्त बना के भेजा है, ताकि उस राज को, उस अज्ञान को, उस सीक्रेट को, जिसको आज दिन तक सब ऋषियों ने, किसी महात्मा ने आज दिन से कहा है कि मैं तेरे अंतर नहीं गया, गुरु सिंह की मैंने मसाल दी कि नहीं गई, तुम ब्यास वालों को पूछो जब ऐसा हो, या और जगह जब ऐसी बात होती है, कोई आगे कहता है तो वो लाउड स्पीकर आगे रख देते हैं उसके, सुनो भाई ये की कहता है, फिर वो कहता है अपनी मिसाल, तो फिर उसका प्रोपेगेंडा करके लोगों को अपने जाल में फंसाया जाता है। अब वो वक्त गया, पिछला वक्त गया, उस वक्त उस तालीम की जरूरत थी। हर ये मैं नहीं कहता कि उस वक्त उन्होंने पर्दा रखा, क्यों रखा, ठीक रखा। मसलन तुम पॉलिटिकल लाइन को लो, महात्मा गांधी ने जरूरत के वक्त हड़तालें तुमसे करवाई, सिविल डिसोबीडियंस कराई, कराई कि नहीं कराई, खुद आगे हुए, मगर वो वक्त उस वक्त के लिए था। अब उस कानून को अब दुनिया लागू कर रही है, मुल्क तबाह हो रहा है, हर जगह हड़तालें हैं, हर जगह घेराव हैं, इसलिए वक्त गुरु की जरूरत है। मैं राधा स्वामी मत को इस वास्ते मानता हूँ कि वो कहते हैं वक्त गुरु को खोज रहे तेरी भले की कहूँ, तालीम वक्त के मुआफिक होनी चाहिए। पुराना हकीम मर गया, उसके नुस्खे जरूर मौजूद हैं, मगर वो तुम्हारी अब मदद नहीं कर सकता। पिछले गुरु, पिछले ऋषि अब तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते, कानून उनके ठीक हैं, वो उस वक्त के लिए हैं। अब जमाना बदला है, जमाने के साथ जो शख्स नहीं बदलता, चरखी चलती है, अगर तो चरखी के साथ बैठ के चलो तो सुखी रहोगे,
अगर अट जाओगे तो चरखी कार का चक्कर चलता रहेगा, तुम्हें काट आएगा, तुम्हें काट डालेगा। इस वास्ते डिमांड आपकी ये है, मैं यूनिटी ऑफ रिलीजन की तालीम देता हूं। कई कहते हैं मैं अहंकारी हूं, मैं कभी तो कहता हूं कि लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं थी, गरजमंद आए। समझने वाले समझे। आगे कर्म की परिधानता की क्या नहीं तुझको समझे, कर्म से आनंद और कर्म ही है शून सब कोई सुख दुख का। ये जगत है वाटिका, करते हैं प्राणी आके काम, कर्म के अनुसार इनके कांटे हैं और फूल सब। अब तुम देखो क्या सनातन धर्म जिसको मैं मानव धर्म कहता हूं, कर्म की फिलॉसफी को नहीं मानता। मेरे दाता जाल जिन्होंने मुझे राधा स्वामी मत की तालीम दी, ये उनका शब्द है मेरे नाम, क्या वो कर्म से विमुख है? कौन कहता है फर्क है? अच्छा, अब रह गया सवाल ये कि भाई ये तो संसार है, कर्म को कितना फूंक फूंक के चलोगे? इससे तो निकलना ही कठिन है, निकल ही नहीं सकते। फिर तो इसका कोई इलाज है? है। जो संत कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? सनातन धर्म। मैं चाहता हूं कि मेरे ये ख्यालात कल्याण तक पहुंचे, हिंदू शास्त्रों के पैरावकार पढ़ें, मेरी गलती हो मेरे कान पकड़े। गरुड़ पुराण सनातन धर्म का है या के नहीं? जहां जीव मरता है, यमपुरी में जाता है और फिर धर्मराजपुरी में जाता है, फिर चित्रगुप्त के अनुसार योनियों फूकता है, उसमें बचाव का कोई तरीका है? गरुड़ पुराण कहता है क्या कि इस जिंदगी में जो शब्द पार ब्रह्म के देश और शब्द ब्रह्म के देश से गुजरता है, सिर्फ वो आवागमन से बच सकता है, दूसरा कोई नहीं बच सकता। मैंने गरुड़ पुराण एक किताब लिखी, मेरी स्त्री गुजर गई थी, मैंने कभी पढ़ी नहीं पहले, तो मेरे लड़के ने लड़की ने सब ने कहा कि गरुड़ पुराण खा दो, तो मैंने गरुड़ पुराण किसी का मुखालफ नहीं। जिस जात पाक ने राधा स्वामी मत चलाया है, हजूर मौलाए मुकद्दस राय साहब राय सालग्राम साहब आगरा वाले, उनकी प्रेम वाणी में साफ लिखा हुआ है कि जो शख्स नाम भी ले लेता है, गुरु प्राण भी है, जब वो मरता है उसके सामने फिल्म चलती है। जो जो कुछ उसने किया हुआ है जिंदगी में, सब उसके सामने फिल्म बनकर आती है। उसका गुरु भी आ जाता है, उसको वो शब्द भी सुना देता है,
शरीर से निकल जाने के बाद कुछ समय तक ऊपर के लोकों में रहता हुआ उसको दर्शन मिलते रहते हैं, सत्संग मिलता रहता है। जब फिर कोई गुरु कामल संसार में आता है, उसको बाकी कमाई पूरी करने के लिए फिर इंसानी चोले में आना पड़ता है। ये लिखा हुआ है हजूर महाराज ने। और यही धर्म पुराण वाले कहते हैं कि अंत समय में अगर धर्म यमराज से बचना चाहते हो तो या राम का ध्यान करो, या कृष्ण का ध्यान करो, या गाय का ध्यान करो, या गुरु का ध्यान करो, किसी साकार का ध्यान करो। साकार रूप के तुम्हारे विश्वास के अनुसार होने से तुम नमपुरी के दुखों से, जैसा कल मैंने बयान किया था, बच जाओगे। फिर धर्मराज के दरबार में जाओगे, जो जो कुछ वासनाएं तुम्हारे चित्रगुप्त सब कॉन्शियस माइंड में संसार की या परमार्थ की मौजूद हैं, उनके अनुसार तुमको फिर दूसरी योनि लेनी पड़ती है। क्या फर्क है सनातन धर्म में और राधा स्वामी मत में, और या कबीर मत में या नानक मत में? कोई फर्क नहीं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमारा इतिहाद हो जाए। मेरे कहने से इतिहाद होगा? मैं जानता हूं नहीं। क्यों? कि जहां मतलब है पैसे का और जहां मतलब है इज्जत का, वहां इतिहाद कैसा? मैं बिशक लाख बक जाऊं, जाति गर्ज, जाति मान, कंचन सजना सहज है, सहज क्रिया का ने मान बड़ाई ईर्षा तगनी दुर्लभ। ये हम संतों महात्मों में भी ईर्षा होती है, डॉक्टरों में आपस में ईर्षा होती है, दुकानदारों में आपस में ईर्षा होती है, सौकड़े दो हों उनकी भी आपस में ईर्षा होती है। ये कोई संसार ही ऐसा है। मगर मैं किनको कहना चाहता हूं? किसी को नहीं, अपना कर्म भोगता। मैं जानता हूं मेरी कोई नहीं सुनेगा, बेवकूफ नहीं हूं। चूंकि मैंने ये प्रण किया था अपने जीवन में, जब मैं पंथ में आया, इसमें खंडन था, मैंने प्रण किया था कि जो कुछ मेरी समझ में आएगा मैं बता जाऊंगा। मैं अपना कर्म भोगता हूं, किसी पर एहसान नहीं करता। तुम में से अगर कोई मेरी बात को पसंद करता है करे, अमल करता है करे, नहीं पसंद करता ना करे, अमल नहीं करता ना करे। मुझे ना कुछ आप लोगों से लेना है, ना किसी की मैं परवाह करता हूं। मगर मैं चूंकि प्रण किया था कि जो कुछ मेरी समझ में आएगा मैं बता जाऊंगा, मैं बताया जाता हूं कि मैं सनातन धर्म का नाम मानव धर्म रखता हूं, क्योंकि सनातन सीमित हो गया, सिर्फ उनके लिए हुआ है जो मथे टिक्के लाते हैं। सनातन आदमनु का धर्म है, जितनी मानव जाति है सभी वासना के असूल के जेर से आते हैं, क्या मुसलमान क्या ईसाई, सबके लिए ये वासना का रूल, वासना का प्रिंसिपल सब जगह अप्लाई करता है। उसकी शक्लें बेशक अलहदा हो, तर्ज इबादत बेशक ज्यादा हो अलहदा हो, वासना को ठीक करने के तरीके बेशक अलहदा हो, ये सवाल नहीं है। असूल काम करता है। तो फिर क्या करना हमने? किनको कहता हूं? वो जो मेरे साथ दमोदर या चंद तुम आदमी जो मेरे साथ लगे हुए हो, जिन्होंने गरीबों के पेट से कैसा कैसा इकट्ठा करके 2500 रुपया यहां खर्च किया, जिसका मुझे दुख महसूस होता है,
उनको कहता हूँ तुमने क्यों बुलाया मुझे, मेरा तमाशा दिखाने के लिए कि बंदर आया हुशियारपुर से देखो कैसे नाचता है। तुमको कहता हूँ अपना बच्चों जन्म बनाओ, अपने जीवन की खड़त करो। क्या खड़त? अपनी नीयत साफ रखो, अपने मन को शुद्ध रखने की कोशिश करो। सतगुरु फकीर चंद नहीं है, सतगुरु ज्ञान है, अनुभव है, विवेक है। फकीर चंद ने तो उस अनुभव विवेक और सार ज्ञान को तुमको बताना है। यही बात सतपुरुष हजूर मौलाना मुकद्दस राय साहिब राम साहब ने अपनी वाणी में लिखी है, प्रेम वाणी में। सतगुरु कौन? सतगुरु केवल शब्द स्वरूपी राधा स्वामी ज्ञात, उनके चरण पार ब्रह्म रोशनी का भंडार। बाहर का गुरु जीव को उनके चरणों तक यानी ब्रह्म देश में पहुंचाने, शब्द तक पहुंचाने में सहायक होता है। ये हजूर महाराज की वाणी है जिन्होंने राधा स्वामी मत की बुनियाद रखी है। तुम कभी तो मैं कहता हूँ कि तुम फोरे फारे जीव हो, तुमको हम लोगों ने अपनी गद्दियों के लिए, अपने मान के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, अपनी डेरों के लिए, अपने धामों के लिए, अपने मानसा मंदिर के लिए बात को पर्दे में रखा। तुम्हारे साथ साफ ज्ञानी से काम नहीं लिया। क्यों? साफ ज्ञानी करने से टेंगे नहीं आती, मुझे कोई नहीं दे जाता, मुझे कोई नहीं देता महाराज। साची बात कबीरा कहे सबके मन से उतरे रहे। तो जिन आदमी ने मुझको बुलाया उनको कहता अपना जन्म बनाओ। मन चंचल है, ठहरता नहीं, इसको सिमरन और ध्यान का सहारा देते हुए जहां तक हो सके इस जिंदगी में अपने अंतर प्रकाश को पैदा कर लो, ताकि अंत समय में तुमको ये ज्ञान रहे कि मैं नहीं निकल सकता, मुझको तो निकालने वाले ये गणेश और चंद सत्संगी जो मेरा ध्यान करते हैं वो है। मैं अब इस उम्र में गुरु महाराज को रसोला छोड़ गए, आप लोगों को गुरु मानता हूँ, आप दाता दयाल का एहसान मानता हूँ जिन्होंने ये काम देकर मेरे अज्ञान का नाश कर दिया। मुझे पता लग गया कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि अगर इस कर्म के जाल से छुटकारा जाना चाहते हो, इस कर्म के चक्कर से निकलना चाहते हो, तो किसी मेरे जैसे आजाद और निर्बंध पुरुष की संगत करो, सोबत करो, ताकि तुमको असलियत का पता लग जाए। और फिर रोज आध घंटा घंटा जितना वक्त मिलता है साधन में गुजारो, अपने सिर को प्रकाश में ले जाओ। और अगर नहीं भी लगता तो कम से कम स्मरण ध्यान करो, अपने मन को साफ रखने की कोशिश करो। जब तक दुनिया की आशाएं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं, तुम यहाँ ठहर नहीं सकते। यही बात स्वामी जी ने कही है वाणी निकालो बड़ी पोथी से, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कई जुगात को कौन चुका सकता है। कोई सतगुरु? कौन सतगुरु? वो सतगुरु नहीं जो ये प्रोपोगंडा कराता है कि मैं मरते समय तुमको ले जाऊंगा, ये गुरु नहीं है। मैं निर्भय होकर कह जाता हूँ, मैंने तुमको मिसाले देता हूँ, लोग मरते हैं मुझे तो पता नहीं होता,
ये फूप सिंह जी तुम्हारे सामने बैठी है, अब अभी 8 साल के बाद जिसने अपना जिक्र मुझे मेरे सामने संगू में किया, मेरे पांव की मिट्टी से मिट्टी निकल गई। मेरी बजाय अगर कोई दूसरा गुरु होता वो इसके इस ख्याल का प्रोपेगंडा करके अपना नाम मशहूर कराता, कराता कि न कराता, कहो मेरी बात को। तो ये जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, स्वामी जी की वाणी है। जगत में अज्ञान है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखा, फूल पुरैया थर मारा। मैं राधा स्वामी मत का पैराव का हूं, मगर इसके मैंने ये नहीं है कि मैं राधा स्वामी मत को सनातन धर्म से भिन्न समझता हूं, क्योंकि गरुड़ पुराण में यही लिखा हुआ है कि ए इंसान, और गरुड़ पुराण के आखिरी लफ्ज है, पिछले समय पढ़ के देखो पंडित लोग, कि अगर कोई भाई निकलना चाहता है दायनी, शब्द योग करो, शब्द योग करो, शब्द योग। ये लफ्ज है गरुड़ पुराण के, कैसे मैं मान लूं? आजकल ये गलतफहमी हुई है, राधा स्वामी अपने आप को नाडू खान समझते हैं, ये समझते हैं सनातनियों को बुरा भला कहते हैं, सनातनी राधा स्वामियों को बुरा भला कहते हैं। इस तत्सव को देखकर मेरे दिल में दया आई, मैंने कहा ये मेरे भाई हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी, इनको पता नहीं, इनको सच्ची बात बता जाऊं, ये सच्ची बात ये है। बोलो सदगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जोगात चुकाए। अब दुनिया ने बस इतना ही समझ लिया है कि बाबे फकीर के पास जाओ, मत्थे टेक दो, 10 रुपए आगे रख दो, फूलों के हार डाल दो, साष्टांग दंडवत कर लो, इसी का नाम शरण है। ये गलत, ये गलत है। तुमने मिल्की वाले देखे हैं? अफसर के सामने आदमी गाता सिपाही या उसका छोटा, वो दोनों पैर जोड़ के टक करता हुआ सैल्यूट मारता है, अटेंशन खड़ा हो जाता है, हुक्म का इंतजार करता है, और जब तक वो कुछ बात करता रहता है वो अटेंशन खड़ा रहता है, जब वो उसकी बात खत्म हो जाती है वापस जाना होता है, फिर सैल्यूट मारता है, फिर वापस जाता है। वो जो अटेंशन है उसकी, वो है शरण। अटेंशन कहते हैं तवज्जा को, ध्यान को, गुरु के दरबार में जाकर ध्यान दो। ध्यान किसको? गुरु की, कल मैंने कहा था शक्ल को, गुरु की बात को। अटेंशन होके रहो ताकि जो कुछ वो तुमको कहना चाहता है वो तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाए। अगर मिल्ट्री में ये अटेंशन ना हो तो मिल्ट्री का काम चल सकता है? दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं ये? नहीं कर सकते। इसी तरह से जब तक कोई आदमी सदगुरु की शरण में जाकर अटेंशन नहीं होता, वो अपना दुनिया में काम नहीं बना सकता। ये है शरण लेने के मैं तवज्जा, अटेंशन मैंने तवज्जा, अपना ध्यान दो किसकी तरफ? गुरु की शक्ल की तरफ। गुरु जो बात कहता है, गुरु जो कहे तो हित कर मान, गुरु जो कहे तो चित्त है ध्यान, इसका नाम है गुरु भक्ति। धन की सेवा जो तुम कहे जाते हो, राधा स्वामी मत में ये लिखा हुआ है, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले। आजकल तो गुरुवारी कसले मुआश है, और कोई तरीका रोटी कमाने का नहीं मिला तो गुरु बन गए, महात्मा कहला गए, ताकि पेट की जीव का जो है ये पूरी होती रहे। मैं खंडन नहीं कर रहा, तुम लोगों को कहता हूं कि ताकि तुम्हारा
अपना कल्याण हो, सेवा करो, जितनी सेवा करोगे तुमको फल मिलेगा। दान दो, कुपात्र को दो, पात्र को दो, तुमको तो फल मिलना ही है। तुम अगर अपनी सच्ची नीयत से दान कुपात्र को भी देते हो तो तुमको फल भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। दान देने वाला तो हर तरह से कर गया, मगर ये लेने वाला है ये मर गया। देने वाला तर गया, लेने वाला मर गया। ये ना समझना मैं दान के बखिलाफ हूं। क्यों? देखो, एक आदमी है, वो पंथ में आया। अब वो समझता है मैंने तो गुरु धारण कर लिया, अब मुझे ना धर्म करने की जरूरत, ना कर्म करने की जरूरत, ना क्रिया करने की जरूरत, ना यज्ञ करने की जरूरत, ना पूजा करने की जरूरत, ना किसी को ब्राह्मण को दान देने की जरूरत, कुछ करने की जरूरत नहीं आती। नतीजा क्या होगा? उसने इस जिंदगी में कोई धर्म कर्म पुण्य किसी को दान दक्षिणा दी नहीं। अच्छा, जिंदगी में उनको शब्द या प्रकाश खुला नहीं। धोबी का कुत्ता घर का न काटता न रहा, ना जन्म व्यर्थ गया कि नहीं गया? क्या कहा मैंने? या तो ये है ना कोई पानी और चीज लग गई, प्रकाश या शब्द तुम्हें मिल गया, फिर कोई हर्ज नहीं, फिर कोई हर्ज नहीं। पर तुसा ये अपना दुनिया के कम भी छोड़ देते, दान देना, पुण्य करना, कुछ करना छोड़ देता अपने अपने कुल भी रीत ना। वो चीज रबी ने तुम्हें जिंदगी एक ना किया, कुछ ना तुम धोखा खाता। इस वास्ते जब तक मंजिल पर ना पहुंचो, जो तुम्हारे कुल का व्यवहार है, जो तुम्हारे कुल की रीत है, जो तुम्हारा अपना आबाई धर्म है, देना। मैं नहीं कहता तुम सनातनी हो, आर्य समाजी हो, सिख हो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो आजाद ख्याल का आदमी हूं, उसको मत छोड़ो। ऐसा ना हो कि तुम इस जोन में राधा स्वामी हो, भाई हमने गुरु कर लिया, अब ना किसी को दान देना, ना कोई पुण्य करना, ना कोई शिविर लानी, ना कोई धर्म करना, ना कोई कर्म करना, कुछ नहीं करना, सबको छोड़ देना। क्यों? ये गुरु कर लिया, पे ले जाऊंगा अगे जे तुम शब्द खुल जाना, प्रकाश खुल जाना, हूं तो कीता कुछ ना, तुम्हारा नुकसान होया कि ना होया? होया, जरूर होया। ये मैं उनको कहना चाहता हूं, खासकर राधा स्वामी मत वालों को, जो जिनको मैं ये समझता हूं कि वो गलती पर है। राधा स्वामी मत की तालीम सच्ची है, उनकी समझ गलत है। अगर किसी को प्रकाश शब्द खुल जाए फिर कोई बात नहीं, तुमने लाख पाप किए हुए हैं, लाख तुमने जना किए हुए हैं, करोड़ तुमने खून किए हुए हैं, तुमको तुम सजा से बच जाओगे। क्यों? जब तुम उन समय में तुम्हारी सूरत मन से तो निकल गई, वो पकड़ेगी शब्द को, मन तो छोड़ गई, तो पाप और पुण्य का करने वाला तुम्हारा मन था। तो जब सूरत जो है जिस देश में रहती है, उस देश के जुर्म करके जो हिंदुस्तान से चला जाएगा इंग्लिस्तान में, हिंदुस्तान का कानून इंग्लिस्तान से उसको बांध नहीं सकता। इस वास्ते नाम जो रत्ती एक है, पाप जो लत हजार, आद रत्ती खट संचरे जार करे संसार। मैं नाम की महिमा को जानता हूँ। नाम क्या है? शब्द ब्रह्म, पार ब्रह्म, ये सनातन के लेवल है नाम चौथे पद का। ये संतों के मार्ग के क्या करना है? अगर कर्म की जो बात चुकाना चाहते हो, सतगुरु शरण रहो, पढ़ो सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जोगात चुकाए,
अचरज बात न काहू सोहाए। सत्संग तुमने सुने, मैंने ऐसी ऐसी बातें कही जिनका तुमको पहले ख्वाबो ख्याल नहीं था, जिनका पहले तुम लोगों को कभी तुमने सुनी नहीं थी। सुनने वाले भी हैरान होते हैं कि मैंने क्या कहा। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये सब संसार भूल और धर्म में है। भूल धर्म में तुम नहीं हो, मैंने तुमको बोल दिया। पहले कोई बाहर का आदमी तुम्हारे अंतर नहीं जाता, तुम भूल में हो, भ्रम में हो, तुम्हारी अपनी वासना है, तुम्हारा मन जो है सच पूछते हो, यही गुरु है और यही चेला है। अगर तुम्हारे मन के अंदर सच्चे बढ़ने की ख्वाहिश है, तुम अपने दुखों से बचना चाहते हो, तुम सच्चे दिल से पुकार करो, मानव की ताकत किसी न किसी रूप में आकर तुमको उपदेश कर जाएगी। जिनकी आत्माएं सच्ची होती हैं, गुरु उनको घर बैठे मिल जाता है। तलाश करने की जरूरत है, खोजो जहां तुम्हारे अंदर दिल में सच्चाई होनी चाहिए। जो कुछ तुम दुनिया की चीज कुदरत मदद करती है, अपने आप ये लॉ नेचर डिमांड एंड सप्लाई का कानून करता है काम इस संसार के अंदर। अब इस वक्त मुल्क की दिशा देखो, जब कांग्रेस को जरूरत थी सुराज लेने की, कुदरत ने दिलवाया कि नहीं दिलवाया? अब मुल्क को अमन की जरूरत नहीं, कहां से अमन होगा? ये अमन नहीं चाहती, हर एक पार्टी अपना अपना मतलब चाहती है, तो अमन की कहां से उम्मीद रखते हो भाई? As shall you sow, so shall you reap। जैसा तुम बीजोगे वैसा, As shall you sow, so shall you reap, जैसा बीजोगे वैसा पाओगे। हमारा गृहस्थ भी, हमारा पॉलिटिकल भी, हमारा सोशल भी। इसलिए कानून ये कहता है अपने संकल्प को ठीक करो, और जो आदमी इस आवागमन से बचना चाहते हैं उनके लिए भी यही कानून है। वो क्या कानून है? वो स्वामी जी की वाणी के मुताबिक सदगुरु की शरण गाओ। शरण गाय के क्या मतलब? उनका सत्संग करो, कुछ दिनों सोबत करो, ताकि तुम्हारे भ्रम चले जाए, तुम्हारे संशय चले जाए, तुमको सीधा लाइन ऑफ एक्शन मिल जाए। फिर अपने घर में बैठो, साधन करो और अभ्यास करो। काम तुमने करना है, गुरु ने नहीं करना। गुरु की इतनी ड्यूटी है कि वो तुमको सीधा रास्ता बता दे। अगर कोई उलझन तुम्हारे अंतर में आ, वो उलझन तुम्हारी निकाल दे तुम्हारी प्रकृति के मुताबिक। ये मैं साथ जाने किस लिए करता हूँ? सिर्फ तुम लोगों के लिए। तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया। अब अगर मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, साथ जाने नहीं करता, तो मैं पतित हूं। मैंने तो अपनी जान बचानी है कि नहीं बचानी? अगर आज पखंड का जाल तुम लोगों के सामने करूंगा, मुंह बना के बैठ जाऊंगा, मंत बन जाऊंगा, फूला के हाथ छुड़ा छुड़वा के रह जाऊंगा, 108 परम गुरु परम संत परम जाल कहला जाऊंगा, तो 108 इतो जीता मैं हूँ। लोग ने कह के जीता बोले 400 मेरे नाते में यूज अकाउंट जिम्मेवार है। आगे काम जिम्मेवार है मेरी करनी का, इसलिए मैं साथ ज्ञानी से काम लेता हूँ। तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया। तुम्हारा जी कहे अमल करो बच्चियों, तुम्हारा जी कहे तुम ना करो। मेरे पास सिवाय सत ज्ञान के और सिवाय सच्ची हमदर्दी के, सच्चे प्रेम के, सच्चे हित के और कुछ नहीं। मुमकिन है किसी और गुरु के पास कुछ हो, मुमकिन है कोई और गुरु तुमको फूंक मार सकता हो, मुमकिन है कोई और गुरु तुम्हें तकलीफ ले जा सकते हो। अगर मुझ पर यकीन नहीं आता तो उसके पास चले जाए। बात साफ कर, अब मेरी आत्मा सुखी है। आई विल डाई ए पीसफुल डेथ। मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं, मैंने कोई ठगी नहीं की किसी के साथ, 420 ने की, हेरा फेरी ने की, कुछ नहीं किया। आगे भागे ही ने सब जग
मृति कोई ना पाए। कौन सी निर्मल गति? सूरत का प्रकाश में जाना और शब्द में जाना। क्यों? तुम्हारे मन के अंदर जो ख्यालात उठते रहते हैं, तुरंगे विचार भाव, वो सदे राह होते हैं, तुम्हारी सूरत को निर्मल नहीं होने देते। इस मन को निर्मल करने के लिए ज्ञान है, सत्संग है, ताकि वचन की धार से, कुछ रेडिएशन से तुम्हारी बुद्धि जो अज्ञान में आकर तरह तरह के भ्रम और संशय उठाती रहती है, वो साफ हो जाए। मन को निर्मल करने के लिए सत्संग की जरूरत है, मगर सत्संग भी उनका जो खुद निर्मल हुआ हुआ है। कल भी मैंने बोला था, जिसका अपना मन ही निर्मल नहीं है, उसकी रेडिएशन तुम निर्मल हो कह सकते हो। आगे नेने पर दया आदि करता की सो ये अमृत पीवने चाहे। वही जो मैंने पहले बात कही थी, सत्संग शुरू किया था, मैंने कहा था भाई है सब कुछ अपने बस की, मेरी समझ में ये नहीं आया कि हमारी वासना अपनी हमारे बस में है या के नहीं। माफ करना, जो मेरा अनुभव था वही स्वामी जी का। क्या कहते हैं वो पढ़ो कहीं को, जेने पर दया दे करता तो ये है अमृत पीवने चाहे। यहाँ आखिर में फेल हो गया। ये भगवान की इच्छा, जिन जिन जीवों के कर्म पिछले जन्मों के अच्छे होते हैं, उन्हीं के भाग में सत्संग मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, मगर साथ क्या कहते हैं, राम कृपा बिन शरद न सोई। क्योंकि फेलियर होता है, मैंने बहुत कुछ कहा, ये मेरे कर्म थे, मैं जानता हूँ जो भगवान की इच्छा है वो होनी है, इसलिए मैं भगवान की इच्छा पर छोड़ता हुआ सत्संग खत्म करता हूँ। बात मेरी पहले भी मेरे दिल में यही अनुभव था, अब भी यही है। मैंने बथेरा आपको कहा, क्या करेगा फकीर जिन बक बक करके, जिस पर उनकी दया है, जिस पर भगवान की इच्छा है, वही सिर्फ आएगा, उसी ने अमल करना है। क्योंकि यही बात है, फिर आगे क्या सत्संग कराऊं, आगे सत्संग कराना मेरी गलती है। कल का दिन मेरा है, कल भोग डाल दूंगा, क्योंकि मैंने ये न समझना कि मैं रुपया इकट्ठा करना चाहता हूँ, हाथ बांधना। आजकल भोग के मैंने ये दिए जाते हैं, जब भोग पड़ता है तो पैसे इकट्ठे करते, कल आखिरी भोग डाल दूंगा और अपने वतन को चला जाऊंगा। अपने बसंत पर आया करता था, इस दफा नहीं आऊंगा मैं, इस साल बसंत की बजाय ये वक्त आपको दे गया, समझते हो मेरा मतलब। अब बूढ़ा हो गया, 81 साल का, ज्यादा सब्र भी मुझसे नहीं होता। आरती पढ़ दे। नम सत ज्ञान दाता बंद, नम सत ज्ञान में बंद, नम सत ज्ञान दाता बंद, नम सत ज्ञान में आपके अधीन
ते योग योगति आपके अधीन सा आप ही हैं सिंधु सदगति जीव जंतु मीन सब आप ही हैं सिंधु सदगति जीव जंतु मीन सब आप गुर सत गुर दया और प्रेम तारे जग दयाधार रेधे से धे शक्ति नान धे है चरण में आपके रेधे से धे शक्ति नान धे है आया शरण में बच गया भव दुख से जो आया शरण में आपके। अब दुख मुझे क्या था, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, ईश्वर कहाँ रहता है, कौन सा रास्ता सच्चा है, राजा स्वामी मत सच्चा है कि सनातन धर्म सच्चा है, इसकी खोज में मेरी गुजर गया। वो जो मेरी खोज थी, जो मैं तलाश करता था, वो भव का दुख। किसी ने दौलत के लिए तरद्दत किया, किसी ने राम के मिलने के लिए तरद्दत किया, किसी ने भक्ति के लिए तरद्दत किया, किसी ने त्यागी बन के तरद्दत किया। तरद्दत तो किया, दुखी तो था, मेरे दुख खत्म हो गए। आगे भक्ति दीजे नाम की सत नाम में विश्राम दे भक्ति दीजे नाम की सत नाम अब देखो वहां शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म की चार रूप बताए हैं शास्त्रों ने, सबल ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। सबल ब्रह्म सैंतल कमल और त्रिकुटी में रहता है, वहां ओम की ध्वनि होती है, लाल रंग का सूरज होता है। जो इसमें अभ्यास करता है
वो शरीर का ताकतवर होता है। हमारे ऋषियों ने बच्चों को यह तालीम दी। हनुमान इसका साधक था। शरीर के कपड़े लाल होते हैं, लाल संदूर लगाया जाता है, क्या कुछ काम कर गया हनुमान। ये सब कुछ तुम्हारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है। शुद्ध ब्रह्म योग विशेष में ये लफ्ज आते हैं। शुद्ध ब्रह्म मन जब तुम्हारा बिल्कुल निर्मल हो जाता है, वहां जो वो जो अवस्था है उसका नाम शुद्ध ब्रह्म है। पार ब्रह्म प्रकाशमय, और इसका इशारा इसमें मौजूद है प्राणायाम के गायत्री मंत्र में। पार ब्रह्म का ओम भू भवा स्वाहा महाजना तपा सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कोई फर्क नहीं, मैं ये समझता हूं कि मैं अपनी शरीर की कसम खाकर कहता हूं, सनातन धर्म को सच्चा साबित करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा, या राधा स्वामी मत की बुजुर्गी के लिए नहीं कह रहा। मैंने सारी जिंदगी 81 साल का हो गया कि खोज में गुजारी है, मेरी समझ में ये आई है, क्योंकि दाता ने ये कहा था कि फकीर निबल अबल अज्ञानियों की सहायता करना, मैंने कर दी, तुमको लूटने से बचा चला। तुम लोग, तुम्हारे अंतर जो इस तरह के शक्लें पैदा होती हैं, तुम लुटते हो कि नहीं लुटते हैं? काय मंदिर में लुटो, काय कहीं लुटो, ये जितने खेल हैं ये सब तुम्हारे अपने मन के हैं। सनातनिस्टों को खुद पता नहीं है, वो बेचारे भोले हैं, उनकी ब्रांचे हैं, श्रेणी हैं। इसी तरह राधा स्वामी मत में भी श्रेणी है, कोई सत्संगी है, कोई साधु है, कोई हंस है, कोई परम हंस है, कोई संत है, कोई परम संत है।